प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आपको बहुत अच्छा आता है,
हमें भगवान ने हमें जो ऊंचा रखना है जंग पर हत्न पर दुर्गा पर सब जगह मारकाट और लूटपाट की वारदातें चल रही हैं। इन्हें कौन बढ़ावा दे रहा है? सर मेरी रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग कोई चोर उचक्की या डाकू नहीं है, ये लोग देशभक्त हैं। यस सर, देशभक्त। इन देशभक्तों का लीडर कौन है? भवानी ठाकुर सर, वो किसानों में बगावत के बीज बो रहा है। आई सी, भवानी ठाकुर। देशभक्त। यस सर। डाकू लेफ्टिनेंट ब्रेनन। सर, हमें भवानी ठाकुर को डाकू साबित करना होगा। वह सर? यस, हमें आम लोगों में मशहूर करना होगा कि भवानी ठाकुर देशभक्त नहीं डाकू है। दैट्स वेरी गुड मूव। एक्सलेंट सर, एक्सलेंट। सर, भवानी ठाकुर और उसके साथी इन जंगलों में छिपे हैं। लेफ्टिनेंट ब्रेनन। यस सर। तुम फौज का एक दस्ता लेकर रतनपुर के जंगलों की नाकाबंदी कर दो। राइट सर। और कैप्टन वुडलैंड। सर। आप फौज का दूसरा दस्ता लेकर रामपुर के जंगलों को रवाना हो जाओ। राइट सर। इन आवाजों को दबाना होगा। इस काम के लिए हमें जमींदारों की मदद की भी जरूरत पड़ेगी। सर, मेरे ख्याल से जमींदार देवी सिंह को इंतजार करवाना ठीक नहीं होगा। सर, उडलर साहब ठीक ही कह रहे हैं। मेरा अपना विचार भी यही है। सात समंदर पार से आए हुए इन लोगों को शायद आपके दबदबे का सही अंदाजा नहीं है, नहीं तो आपको इंतजार कराने की हिमाकत ना करते। कैप्टन वुडलैंड। सर, वी मस्ट कीप दिस जमींदार्स इन देयर प्लेसेस। यस सर। सर, कंपनी रिकॉर्ड के मुताबिक आम आदमी देवी सिंह के नाम से ही खौफ खाता है। गुड, that's why we can use him sir. David. Yes sir. David Singh ko bulao. Sir, aap andar ja sakte hain. आइए। थॉमस साहब, दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है। जनाब, मैं चाहता हूं कि मेरे निवास पर होने वाली पूजा में शरीक होकर मेरी इज्जत बढ़ाएं।
बुलावे के लिए शुक्रिया, पर हमारा वहां आना जनाब हमारा सौभाग्य होगा। जनाब हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देवी सिंह की दूर दूर तक कितनी इज्जत है, कितना मान सम्मान है। मेरी एक आवाज से किसानों की रूह कांपने लगती है। मेरी आवाज ही उनके लिए हुक्म है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे पीछे कितना बड़ा जनसमूह है। हिंदुस्तानियों का सिर कंपनी सरकार के आगे अगर कोई झुका सकता है तो वो है देवी सिंह। तुम हमसे चाहते क्या हो? मैं जनाब मेरी गुजारिश है कि पिछले सालों की तरह इस साल भी मालगुजारी का काम मुझे दे दिया जाए। मुझसे बड़ा वफादार जमींदार आपको पूरे बंगाल में नहीं मिलेगा। ठीक है, हम गौर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए हुजूर, मालिक आपके अंदर जो आग है उससे अंग्रेज सरकार नावाकिफ नहीं है। मालिक आपके रहते हुए किसी और को राय बहादुर का खिताब मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रिटानिया सरकार को आपकी ताकत का पूरा अंदाजा है हुजूर। ये कौन है? हीरे की चाह रखने वाले को अगर हीरा मिल जाए हुजूर। क्या मतलब? हमारे गांव में भी ऐसा एक नगीना है हुजूर। चंपा की बेटी प्रफुल मुखी। हुजूर मैं आज ही कुलमणि को उसके पीछे लगा देता हूँ। सैया के नैन कजरा रे नाना ना कजरा रे। जारी ये साड़िया प्रफुल्ल और उसकी माँ को देकर आ। बिरला बाबू कभी इधर भी मेहरबानी कर दिया करो। मेहरबानी तो कर दूंगा लेकिन पहले उन्हें साड़िया देकर आ। जा जल्दी कर। प्रफुल्ल, ओ प्रफुल्ल, अरे ओ प्रफुल्ल, राम जाने कहाँ भटकती रहती है दुनिया। प्रफुल्ल, नक्शे नर बने मुसलमान, नारी का फिर क्या हो विधान, जन्म उड़ाने बने बाबन, जन्म उड़ाने बने बाबन। अरे ओ पोटली पोटली, प्रफुल्ल को कहीं देखा है माँ? घाट पर खड़ी गोरे से बहस कर रही थी। गोरा अगर इसे छाकर ले गया तो क्या होगा?
अरे ओ कलमोही, क्या कर रही है तू? शर्म हया बेचाई है क्या? अरे क्या कहेंगे लोग, जल्दी आ घर। तो मेरा जीना हराम कर रखा है, मेरे प्राण जाएगी तभी इसको चैन मिलेगा। अरे अब आती है या मैं आऊं? जल्दी आ कलमोही, करम जली, आ जल्दी। क्यूरी, तू भिखारी है क्या? माँ, बाउल गाने वाले भिखारी होते हैं क्या? नहीं, राजा होते हैं। माँ, वो लोग महर्षि होते हैं जो हमारी ही कथा हमें गाकर सुनाते हैं। अच्छा ये बता, तू गोरे के मुंह क्यों लग रही थी? तो वो ताल पर हमारी औरतों को क्यों रोक रहा था कपड़े धोने से? हमारा घोड़ा गंदा पानी नहीं पी सकता। अगर इतनी ही फिक्र थी तो विलायत से ले आता अपना पानी। अरे गोरा साहब हमारे अन्नदाता होते हैं, समझी? जमींदार भी उन्हें सलाम करते हैं। हम किस साल के मछली हुए? खाने वाने के लिए कुछ मछली लाई है? नहीं माँ, न सिंघाड़े मिले, नहीं मछली। न सिंघाड़े मिले, नहीं मछली। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोविंद। घर में न कपास है और न ही सूत। क्या खाए और क्या बेचे? हे गोपाल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हे गोपाल, हे कृष्ण, हरे कृष्ण। अरे तेरी ये चुप मुझे किसी दिन खा जाएगी, खा जाएगी मुझे किसी दिन। मैं तुम्हारे से बात नहीं कर रही हूँ प्रफुल्ल। घर में, घर में अन्न का एक दाना नहीं है, एक दाना नहीं है, अन्न का एक दाना नहीं है।
जा, जाके फूलबड़ी के पास से। अरे तुझे कहा ना, कुछ ले आ बेटा। हम गरीबों का क्या है माँ, बहुत मिर्च खाके गुजारा कर लेंगे। तू जाती है कि नहीं, जा। मैं उस औरत के घर नहीं जाऊंगी। क्यों, क्यों नहीं जाएगी तू? माँ वो औरत अच्छी नहीं है। अरे अरे वो मैं आदमी के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। जा बेटा। तो बच्चे ने मेरी माँ क्या कहा? वो बदचलन है? अरे वो बदचलन है तो तेरे ससुराल वाले क्या है? तेरे ससुराल वाले क्या है बोल, तेरे ससुराल वाले क्या है बोल बोल। तेरे ससुर से तेरे माथे का कलंक बन गई है रे। ना मैं जी सकती हूँ और ना मर सकती हूँ। देख माँ, लोहार लोहे को आग में तपाकर जो चाहे बना देता है। अपना गरीबी को मजबूरी नहीं, आग बनने दे माँ। तूने क्यों मेरी कोख से जन्म लिया? कृष्ण कन्हैया, ऐसी गुणवान सुंदर कन्या को तूने दाने दाने का मोहताज बना दिया। खैर मैं ही कुछ मांग के लाती हूँ पड़ोस से। नहीं माँ, पड़ोस से बहुत मांग चुके हैं, अब माँ ने न तू जाएगी न मैं। कृष्ण जब ईश्वर हमें भूखा रखना चाहते हैं तो हम भूखे ही रहेंगे। मांग मांग के पेट भरेंगे तो ईश्वर नाराज नहीं होंगे? देख प्रफुल्ल, मैं तुझे भूखा नहीं मार सकती। अरे मेरे जीते जी, तू बहुत करेगी तो क्या मैं सह सकूंगी? मैं कई दिन से देख रही हूँ तुझे मेरी चिंता खाई जा रही है। तू दरवाजे की तरफ टुकर टुकर देखती रहती है। तेरे ससुराल छोड़ा ना माँ, तेरी भी चिंता दूर होगी। बेटी का अंजल उसके माँ बाप के घर तो उसकी शादी तक ही है, इसके बाद तो बहू सास ससुर की जिम्मेदारी बन जाती है ना।